ओके सो हाय गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पीएनजीज का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के यहीं पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आप सभी को फिर यहाँ पे अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद आप सभी को कुछ अपने मॉडल को जिस टाइप से यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मैं इसको फुल कर देता हूँ थोड़ा साइज़ को। एंड गाइस साइज़ को आपको कुछ इस टाइप से रखना है कि यार वहाँ पे लगना नहीं चाहिए कि यार अपने बैकग्राउंड में मतलब कि फोटो लगाया है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से लगाना जैसा मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आप सभी को। फिर कर देना डन एंड उसके बाद जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को मैं कुछ पीएनजीज दे दूंगा यहाँ पे ड्रैगन के। तो आप सभी को इस ड्रैगन के पीएनजी को पहले मैं यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो इस पर मैं इस साइड कर दूंगा एंड इसको सिंपली कुछ इस टाइप से अपने हैंड के पास यहाँ पे लगा दूंगा। तो आप चाहो तो गाइस आप भी ऐसा पोज कर सकते हो, बाकी आपने जो थंबनेल में देखा आप वैसा ही पोज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसा बेटर लगे वैसा कर लेना। एंड उसके बाद जो है दूसरा पीएनजी, तो इसको ले लेते हैं हम। एंड गाइस थोड़ा ना ब्राइट से लग रहा था, इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद हम इसमें थोड़ी सी जो इसकी ब्राइटनेस कम कर देंगे। एंड उसके बाद जो हाइलाइट्स है इसको भी हम थोड़ा कम कर देंगे। शैडो है जिसको भी हम थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मैनेज हो चुका है, तो उसका करेंगे हम इसको हम थोड़ा जूम कर देंगे। एंड कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे शोल्डर के पास यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा देंगे, ठीक है गाइस। तो आप सभी कुछ इस टाइप से लगाना है। एंड उसके बाद जो है इसका हम पहले यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे। एंड डुप्लीकेट करने के बाद हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे नीचे की तरफ भी लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि मतलब कि हम इसको थोड़ा आगे की तरफ लगा देंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे सामने से उड़ उड़ कर आ रही है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप सभी को भी लगा देना है। एंड यहाँ पे लगा देने के बाद आप सभी को सिंपली राइट में जो डन वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद जो है आप सभी को फिर जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये विग्नेट का मैं पीएनजी दे दूंगा, तो आप सभी को इसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा देना है, ठीक है। इस टाइप से लगा देने के बाद आप सभी को डन कर देना है यहाँ पे। एंड इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर यहाँ से जाना है टूल्स में जाना है आप सभी को, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद फिर एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को जिसकी ब्राइटनेस इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को कुछ फेस पे इस तरीके से डोजन बन करना है, ठीक है। तो गाइस आप चाहो तो अगर आप सभी को इसके बारे में डोजन बन के बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो आप सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है वीडियो का, तो आप उस वीडियो को देख के आप डोजन बन इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को वो लिंक आप सभी को मेरी हर वीडियो में मिल जाएगा, तो आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम डन करते हैं। उसको दोबारा जाएंगे एडजस्टमेंट टूल्स में जाकर इसको मिरर टूल में जाकर इन्वर्ट कर देंगे। एंड उसके बाद सेम स्टेप वही करना है, आप बस अपनी बॉडी को ऊपर यहाँ पे पेंट करना कुछ इस टाइप से जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, ठीक है। कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट कर देना आप सभी को, ठीक है। एंड उसको कर देने के बाद आप फिर इसकी जो उसका जो अमाउंट है थोड़ा ज़्यादा रखना है, ठीक है, अराउंड 20 तक। एंड उसके बाद कर देना यहाँ पे डन। एंड उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें कर लेते हैं फोटो को सेव। एंड यहाँ पे हमें करना है कलर करेक्शन, तो चलते बैक एंड हम लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस लाइट रूम ऐप हमारा जब तक ओपन हो रहा है यार, अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है यार और वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, और अगर आप में से कोई भी भाई मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है एंड यहाँ पे हमारी फोटो ओपन भी हो गई है, तो आप सभी को साइड में दिख रहा होगा लाइट वाला ऑप्शन, तो आप सभी को करने का कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के बाद आप सभी को हाईलाइट्स को बढ़ा देना है एंड शेडो को कम कर देना है, व्हाइट को आप सभी को कम कर देना है, ब्लैक को भी कम कर देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल कलर्स में, फिर आप सभी वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है एंड ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना ब्लू कलर में, इसके ह्यू को माइनस करना है, सैचुरेशन को माइनस करना है, फिर डार्क ब्लू में जाना है, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे कर देना है डन। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी उसको बढ़ा देना है, फोटो में जो है विग्नेट भी डालना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आप सबको इसके नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस है उसको इंक्रीज कर देना है, नॉइज रिडक्शन इसको भी बढ़ा देना है एंड जो कलर नॉइज रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है गाइस, ठीक है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, और यार वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ यार शेयर करने में से बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है, शेयर भी कर देना। एंड गाइस आप सभी को इन दोनों में से कोई भी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही है इन दोनों में से तो आप उसको ओपन कर लो। बाकी अगर आप सभी को और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल के लोगों पर क्लिक करो एंड वहाँ पर जाकर आप मेरे चैनल की कोई सी वीडियो देख सकते हो, काफ़ी सारी वीडियो अच्छी हैं तो आप सारी देख सकते हो। एंड यार अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।